हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बोट की तरफ से एयरडॉक्स 131 TWS का। तो कुछ इस तरह का बॉक्स ओवरव्यू देखने को मिलता है। फ्रंट पे मॉडल नेम के साथ कुछ हाइलाइट्स मेंशन है और बैक साइड पे की हाइलाइटेड फीचर्स हैं, जैसे ब्लूटूथ वर्जन 5.0, टाइप सी इंटरफेस, 15 आवर्स प्लेबैक। और यहाँ पे बॉक्स पर जो प्राइसिंग मेंशन है वो है अप्रोक्स 3000 रुपीज़, लेकिन ये आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, जैसे ब्रांड पार्टनरशिप पेपर है ये, और साथ में मैनुअल्स मिल जाते हैं। और जिसकी फ्रंट साइड पे आप नोटिस करेंगे तो आपको एक स्टिकर मिलता है, और आपको यहाँ पे एक FAQ कार्ड मिलता है, और एक रीडमी बिफोर कार्ड मिलता है, और एक वारंटी कार्ड है जिस पर आप इस नंबर पे मिस कॉल करके अपनी प्रोडक्ट वारंटी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग के लिए सी टाइप डाटा केबल मिलती है, और फाइनली लास्ट में बोट एयरडॉक्स 131 जो है मिडनाइट ब्लू कलर में। बात करें बिल्ट एंड डिज़ाइन की, तो प्लास्टिक मटेरियल है, और फ्रंट में आपको लाइट इंडिकेटर के साथ बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और बॉटम में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। ईयरबड्स की बात करें तो आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और यहाँ पे लेफ्ट राइट मेंशनड है। बात करें ईयरबड्स की तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, सिमिलर टू एप्पल ईयरबड्स की तरह। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ईयरबड्स पर नोटिफिकेशन लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये जो प्लास्टिक बोर्ड है इस पर बोट की ब्रांडिंग है, लोगो है और बटन है। बात करें इसके वेट की तो काफ़ी लाइट वेट है, तो हैवी वाली फीलिंग नहीं आने वाली। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको IWP टेक्नोलॉजी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसके बॉक्स को बंद करते हैं ये ऑफ हो जाता है, और आप ऑन करते ही ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बात करें गेमिंग टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। मैंने इसका लेटेंसी लैग टेस्ट किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें बटन फंक्शंस की, तो सिंगल प्रेस पे पॉज एंड प्ले हो जाता है, और सॉन्ग फॉरवर्ड करने के लिए राइट वाले बर्ड्स को 2 बार प्रेस करना पड़ता है, और बैकवर्ड के लिए 2 बार लेफ्ट वाले बर्ड्स को टैप करना पड़ता है। और आपको असिस्टेंट को वेक करना है तो आपको टैप करके होल्ड करना होगा। कॉल्स आप सिंगल प्रेस से पिक और कैंसिल कर सकते हैं। बात करें साउंड क्वालिटी की, तो बैस मुझे काफ़ी कम लगी, और ट्रेबल काफ़ी क्लीन है, क्रिस्प है, लाउडनेस काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, तो बैस आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कर सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें प्राइसिंग की, तो ये आपको 1300 रुपये के अंदर मिल जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग के लिए चाहिए, और आपको एप्पल डिज़ाइन में थोड़ा फीलिंग चाहिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।